We are going to check in Saimika. तेजी से सुनाई दे रहा है, लग रहा है हम लोग नजदीक पहुंच चुके हैं। This is the view, wonderful view. These steps, जो वाटरफॉल था वो मेरे पीछे ही है, वो सडोंग। चलते हैं पानी के अंदर, कि पानी के अंदर की गहराई में कौन सा राज छुपा हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल रात को हम लोग पहुंचे हैं चेरापूंजी का मोस्ट ब्यूटीफुल रिजॉर्ट साइमिका रिजॉर्ट में, और ये ईस्ट खासी हिल में सिचुएटेड एक ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है। और ये है इस रिजॉर्ट का रिसेप्शन, और ये रिसेप्शन कुछ कुछ लोकल चीज़ों से डेकोरेट किया गया था, जिससे इसका नेचुरलिटी और भी बढ़ गया था। We have to stay next 2 days over here. It's a beautiful location. साइमिका रिजॉर्ट ईस्ट खासी हिल्स में बहुत ही सुंदर एक रिजॉर्ट है, जो कि एकदम नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। इसमें टोटल 24 रूम्स है, रूम तो नहीं बताएंगे, बोल सकते हैं 24 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉटेजेस है, जो कि एक दूसरे से एकदम अलग है। एंड दिस रिजॉर्ट हैज़ इट्स ओन ब्यूटीफुल चार्म। और सबसे खास बात यह है कि इस रिजॉर्ट में कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब तो आपको लगेगा आप नेचर के अंदर ही है, नेचर से बिल्कुल अलग नहीं है। और ये रूम के बाहर देखिए एक छोटा सा सेटअप भी है, जहाँ आके आप आराम से बैठ सकते हैं और चिल कर सकते हैं और इस ब्यूटीफुल वैली को एंजॉय कर सकते हैं। और इसका कॉटेजेस भी काफ़ी डिफरेंट है, एकदम वुडेन से बना हुआ है, और कहीं कहीं स्टोन वर्क भी आपको देखने को मिलेगा। और देखिए ये फायरप्लेस भी है, सर्दी के टाइम में ये फायरप्लेस यूज़ कर सकते हैं। और रूम काफ़ी स्पेसियस है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा ये रिजॉर्ट। और आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस रिजॉर्ट में चिल्ड्रेन के लिए भी पार्क बनाया हुआ है, तो आपके साथ अगर बच्चा भी आता है तो इस रिजॉर्ट में काफ़ी एंजॉय करेंगे। और ये है इस रिजॉर्ट का डाइनिंग एरिया। खाने में काफ़ी कुछ वैरायटीज आपको मिल जाएगा, और इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट आप रूम बुक कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में भी आपको काफ़ी वैरायटीज मिल जाएगा, और खाना भी यहाँ का काफ़ी टेस्टी है, तो अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ का खाना भी ज़रूर ट्राई कीजिए। लेकिन साइमिका रिजॉर्ट अगर आप लोग बुक करेंगे तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए, आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिटी सेंटर से काफ़ी दूर में पड़ता है, लगभग 15 मिनट दूरी पे है, तो यहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग ये रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं तो अपने पास पर्सनल व्हीकल ज़रूर रखिए। बाकी अगर आप चेरापूंजी आते हैं तो इस रिजॉर्ट को ज़रूर बुक कीजिए, ये रिजॉर्ट अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और आपको साइमिका अगर बुक करना है तो साइमिका का जो खुद का वेबसाइट है वहाँ पर जाके आपको बुक करना पड़ेगा, और बुकिंग के लिए सबसे लोएस्ट रेट है 3800, जो कि सीजन के हिसाब से वैरी करता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेघालय के सबसे सुंदर वाटरफॉल पेसाडंग वाटरफॉल, लेकिन पता नहीं हम लोग वाटरफॉल तक जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पता चला है आसपास दोनों गांव के बीच में झगड़ा होने की वजह से ये वाटरफॉल काफ़ी दिनों से बंद था। तो चलिए देखते हैं वाटरफॉल जा पाते हैं कि नहीं। और वेसाडांग वाटरफॉल के 1.5 किलोमीटर पहले आता है डैंथेलन वाटरफॉल, तो इसीलिए हम लोग पहले डैंथेलन वाटरफॉल देख लेंगे, उसके बाद जाएंगे वेसाडांग वाटरफॉल। और इस वाटरफॉल का सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये वाटरफॉल जहाँ से शुरू होता है हम लोग वहीं से इसको देख पाते हैं।
जैसे कि हम लोग बाकी सब वाटरफॉल नीचे से देखते हैं, लेकिन इस वाटरफॉल को इसके ऊपर से देखते हैं। और यही है वाटरफॉल का जो पानी जो नीचे जाके वाटरफॉल बनता है, और हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं इस पानी को क्रॉस करके उस पार जाने का और दूर से इस वाटरफॉल को देखने का। और ये जगह काफ़ी डेंजरस है, यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये रेलिंग है, ये रेलिंग में भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, ये कहीं भी टूट के गिर सकता है, और कहीं कहीं तो रेलिंग भी नहीं है तो वहाँ से भी आप लोग गिर सकते हैं। तो इसलिए ये वाटरफॉल देखने जा रहे हैं तो काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। और देखिए वाटरफॉल का इस साइड से नज़ारे भी काफ़ी सुंदर है, और इस टाइम मानसून में हम लोग आए हैं तो काफ़ी पानी भी हम लोग को देखने को मिला है, क्योंकि बाकी टाइम यहाँ पे इतना पानी देखने को नहीं मिलता है जो हम लोगों को मिला है। और विंटर में अगर आप लोग इधर आते हैं तो आप लोगों को पानी एकदम नहीं मिलेगा, एकदम सूखा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो डैंथलन वाटरफॉल का सुंदर सा नज़ारे अगर आपको देखना है तो आपको आना होगा इस मानसून सीजन में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वेसाडांग वाटरफॉल की तरफ और देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं वेसाडांग का सुंदर सा छोटा सा ट्रेक। अभी हम लोग जा रहे हैं वेसाडांग वाटरफॉल, नीचे जाके आपको दिखाते हैं कैसा है वेसाडांग वाटरफॉल। द फॉल इज सिचुएटेड सम 60 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ शिलोंग इन ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, और ये डैंथलन वाटरफॉल के एकदम पास से अप्रोक्सीमेट 2-3 किलोमीटर के अंदर। इस रास्ते से हमें जाना है तो ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही एकदम स्ट्रेट रोड है, हाँ बहुत ही आसान नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कैमरा बंद करके जब नीचे पहुँचेंगे फिर से आप लोगों को दिखाएंगे। ये वाटरफॉल तक जाने का रास्ता काफ़ी चैलेंजिंग है, ऊपर से अगर बारिश हो जाए तब तो ये रास्ता एकदम खतरनाक हो जाता है। हम लोग जून में यानी कि मॉनसून सीजन में यहाँ पहुँचे थे और जंगल वाली खतरनाक ट्रेल से होते हुए हम लोग पहुँचे इसका फर्स्ट व्यू तक। तेजी से सुनाई दे रहा है, लग रहा है हम लोग नज़दीक पहुँच चुके हैं। चलिए चलते हैं देखते हैं और कितना दूर है ये वाटरफॉल का रास्ता। और फर्स्ट व्यू जब देखिए तो लिटरली कोई शब्द नहीं था इसको बयां करने का। वी वर जस्ट स्पेल बाउंड टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल 3 स्टेप्स वाटरफॉल वेसाडांग। और किसी ने इसका नाम बहुत सही रखा वेसाडांग वाटरफॉल, विच डिराइव्स फ्रॉम द खासी लैंग्वेज, दैट इज वे मीन्स रिजेंबलिंग अ पूल एंड साडांग मीन्स स्क्वायर शेप्ड। रियली द वाटरफॉल इज 3 स्टेप्स वाटरफॉल, और ये वाटरफॉल जहाँ पे गिरती है वहाँ पे एकदम ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल क्लियर वाटरफॉल बन जाता है जो कि क्लियरली विजिबल है। इसके बाद हम लोग और नीचे गए टू फील द ब्लू एंड क्रिस्टल क्लियर वाटर, बट नीचे तक जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। यहाँ पे कहीं कहीं पुल टूट के गिरा हुआ था, कहीं पे काम चल रहा था और बारिश भी हुआ था तो काफ़ी स्लिपरी था, लेकिन क्या करें, ये 3 स्टेप वाटरफॉल का ब्यूटी को एक बार देखने के बाद उसके नीचे तक जाने का तो मन बहुत किया। और हम लोग चले और नीचे टू फील द रियल ब्यूटी ऑफ नेचर। Now see, this is the beauty of this waterfall. हमारे नज़र में तो ये बस मेघालय की नहीं, ये पूरी दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। कहाँ मिलती है इतनी खूबसूरती? मिलती है तो सिर्फ मेरे हिंदुस्तान में। ये है और यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए देखते हैं पहुंच पाते कि नहीं।
व्यू, दिस इज द व्यू, दिस इज द व्यू, वंडरफुल व्यू यू कैन फाइंड। चलिए 3 स्टेप्स, जो वाटरफॉल था वो मेरे पीछे ही है, वो है सडोंग, और अभी चलते हैं पानी के अंदर, आप लोगों को दिखाते हैं कि पानी के अंदर की गहराई में कौन सा राज छुपा हुआ है। बहुत अच्छा वाटरफॉल, 3 स्टेप वाटरफॉल वे सडोंग, बस 3 स्टेप। और इसके साथ हम लोगों का वैसा डोंग फॉल में स्विमिंग और ट्रेक हुआ कंप्लीट। मोस्ट ब्यूटीफुल फॉल्स इन द मेघालय, ये तो हम लोग एश्योर कर सकते हैं। अगर आप में स्ट्रेंथ हो तो जरूर आइए वैसा डोंग, वरना मत आइए सीरियसली, क्योंकि रास्ता आसान एकदम नहीं, इट्स वेरी टफ। अगर आपका ओल्ड एज है या आप फिट नहीं हो, बच्चे हैं 10 साल के कम उम्र के, अगर वो फिजिकली उतना एफिशिएंट नहीं है तो डोंट ब्रिंग देम, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और स्विमिंग तो एकदम ना करें अगर आप अच्छा स्विमर ना हो, और फोटो खींचने के चक्कर में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो एकदम गिर जाइएगा, बहुत ज़्यादा चोट आएगा। तो ये मेरे तरह से सलाह है, एंजॉय this beautiful and dangerously beautiful waterfall at Meghalaya। तो यही था हम लोगों का वैसाडोंग 3 स्टेप वाटरफॉल का सुंदर सा छोटा सा ट्रेक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।